हम ऐतिहासिक बुद्ध के बारे में क्या जानते हैं? बोधि वृक्ष जहां बुद्ध को बोध गया, भारत में ज्ञान प्राप्त हुआ था। फोटो मार्गी सैवेज द्वारा। पारंपरिक कहानी लगभग 567 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में सिद्धार्थ गौतम के जन्म से शुरू होती है। वह एक राजा का पुत्र था जो आश्रय में पलाब्धा था। उन्होंने शादी की और उनका एक बेटा था। राजकुमार सिद्धार्थ 29 वर्ष के थे जब उनके जीवन में परिवर्तन आया। अपने महलों के बाहर गाड़ी की सवारी में उसने पहले एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक बूढ़े आदमी को, फिर एक लाश को। इसने उसे भीतर तक झकझोर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति उन्हें बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु से नहीं बचाएगी। जब उन्होंने एक आध्यात्मिक साधक, एक भिक्षुक पवित्र व्यक्ति को देखा तो उनमें मन की शांति पाने की इच्छा पैदा हुई। आत्मज्ञान प्राप्त होने तक वह बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे रहे। राजकुमार ने अपना सांसारिक जीवन त्याग दिया और आध्यात्मिक खोज शुरू कर दी। उन्होंने शिक्षकों की तलाश की और अपने शरीर को अत्यधिक लंबे समय तक उपवास जैसे तपस्वी अभ्यासों से दंडित किया। यह माना जाता था कि शरीर को दंडित करना मन को ऊपर उठाने का तरीका है और ज्ञान का द्वार मृत्यु के किनारे पर पाया जाता है। हालांकि इसके 6 साल बाद राजकुमार को केवल निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि शांति का मार्ग मानसिक अनुशासन से होकर गुजरता है। आधुनिक भारतीय राज्य बिहार के बोधगया में वह एक फिकस पेड़ बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे रहे जब तक कि वे जाग नहीं गए या उन्हें आत्मज्ञान का एहसास नहीं हुआ। उस समय से उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाएगा। अंतिम पारगमन प्राप्त कर रहे बुद्ध की पत्थर की मूर्ति, जिसे उनकी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। सी 1503 कियाओ बिंद्वारा। फोटो सौजन्य द मेट। उन्होंने अपना शेष जीवन लोगों को यह सिखाने में बिताया कि स्वयं के लिए आत्मज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। उन्होंने अपना पहला उपदेश आधुनिक सारनाथ बनारस के निकट में दिया और फिर एक गांव से दूसरे गांव तक चले और रास्ते में शिष्यों को आकर्षित किया। उन्होंने बौद्ध भिक्षुणियों और भिक्षुओं के मूल संघ की स्थापना की, जिनमें से कई महान शिक्षक भी बने। उनकी मृत्यु लगभग 483 ईसा पूर्व में उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध के जीवन की पारंपरिक कहानी तथ्यात्मक रूप से सटीक नहीं हो सकती है। हमारे पास निश्चित रूप से जानने का कोई तरीका नहीं है। आज के इतिहासकार आम तौर पर इस बात से सहमत हैं कि एक ऐतिहासिक बुद्ध थे और वह ईसा पूर्व 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच किसी समय जीवित रहे थे। ऐसा माना जाता है कि सबसे पुराने धर्मग्रंथों में दर्ज कम से कम कुछ उपदेश और मठवासी नियम उनके शब्द हैं या उनके शब्दों के करीब हैं। लेकिन अधिकांश ऐतिहासिक विद्वान यहीं तक जाएंगे। दोस्तों, बुद्ध से जुड़े और जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को भी भेजो, कमेंट में जाए बुद्ध लिखें।